सब्सक्राइब करें हिंदुस्तान न्यूज 24 और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। कैरिबियाई टीम के 40 वर्षीय धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल का बल्ला बेशक आईसीसी वर्ल्ड कप में नहीं चला, लेकिन कनाडा में खेली जा रही ग्लोबल T20 क्रिकेट लीग में गेल का बल्ला विरोधी टीमों पर जमकर कहर बरपा रहा है। इसके अलावा भारतीय टीम के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज युवराज सिंह ने भी एक के बाद एक तूफानी पारी खेलकर विरोधियों को करारा जवाब दे दिया है। दोस्तों, अगर आप भी क्रिस गेल और युवराज सिंह के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बता दें, रॉयल्स टीम द्वारा दिए गए 165 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल ने मात्र 44 गेंदों पर 6 चौके और 9 छक्कों के साथ 94 रनों की तूफानी पारी खेली। हालांकि क्रिस गेल शतक के इतने करीब होने के बावजूद मात्र 6 रन से चूक गए। खासतौर पर क्रिस गेल का शिकार बने पाकिस्तानी टीम के स्पिन गेंदबाज शादाब खान। क्रिस गेल ने शादाब की ऐसी कुटाई किया कि उन्होंने 4 ओवर में 66 रन लुटा दिए। एक समय तो ऐसा लगा कि T20 क्रिकेट में युवराज सिंह के एक ओवर में 6 छक्कों का रिकॉर्ड क्रिस गेल ध्वस्त कर देंगे। हालांकि 6 छक्कों का रिकॉर्ड तो नहीं टूटा, लेकिन शादाब खान जरूर टूट गए। शादाब के चौथे ओवर की पहली 2 गेंद पर 2 छक्के लगाने के बाद क्रिस गेल ने अगली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़े, जबकि आखिरी 2 गेंद पर 2 शानदार छक्के जड़ गेल ने शादाब की बोलती बंद कर दिया। इस ओवर में क्रिस गेल ने कुल 32 रन कोट दिए। गेल की तूफानी पारी की बदौलत उनकी टीम 16.3 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। गौरतलब है कि इससे पहले मॉन्ट्रियल टाइगर्स के खिलाफ भी क्रिस गेल ने मात्र 54 गेंद पर 7 चौके और 12 छक्के के साथ 122 रनों की तूफानी पारी खेली थी। इस मैच में भी गेल की टीम की जीत लगभग तय थी, लेकिन बारिश की वजह से मैच रद्द हो गया। बात करें भारतीय टीम के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज युवराज सिंह की, तो अब तक युवी ने भी शानदार बल्लेबाजी की है। आज कोलिन मुनरो की कप्तानी वाली टीम से युवराज सिंह की टीम टोरंटो नेशनल्स का सामना होगा। ऐसे में शानदार फॉर्म में चल रहे युवराज सिंह का बल्ला चल गया तो आज मात्र 54 गेंद पर 122 रनों की तूफानी पारी खेलकर युवराज सिंह क्रिस गेल को पछाड़ सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आज भारतीय टीम का T20 मैच रात 8 बजे है और युवराज सिंह की टीम का मैच रात 10 बजे। अगर भारतीय टीम बाद में बल्लेबाजी की और युवराज सिंह की टीम पहले, तो दोनों की बल्लेबाजी लगभग एक ही टाइम पे आएगी। ऐसे में आप किसकी बल्लेबाजी देखना पसंद करेंगे, भारतीय टीम या फिर युवराज सिंह? कॉमेंट करके अपना जवाब जरूर बताएँ।